नमस्कार छात्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप अपना पूरा ख्याल रख रहे होंगे। छात्रों, पिछले क्लास में हम लोग जहांगीर पे बात कर रहे थे। भारतीय इतिहास के मुगल डायनेस्टी के जो शासक थे जहांगीर, उन पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। आज जैसा कि हम लोग जहांगीर को देन आगे बात करना है, जहांगीर वाले टॉपिक से और क्या प्रश्न बनते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ी सी बात को समझिएगा, आज का हम लोग टॉपिक जहांगीर को और आगे बढ़ाएंगे। देखिएगा, हमने आपसे कहा था कि जहांगीर का जो टाइम पीरियड रहा है वह रहा है 1605 से लेकर 1627 तक। 1605 से लेकर 1627 तक जहांगीर का समय रहा है, यहां तक आपको हम बताए थे। हमने बात किया था जहांगीर जो है भारतीय इतिहास में मुगल काल के ऐसे शासक हैं जिनके समय पर जहांगीरी सॉरी चित्रकला जो है अपने क्लाइमेक्स पर थी, अर्थात चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी, ऐसा बताया जाता है जहांगीर के बारे में। हमने यह बात बताया था कि जहांगीर जो हैं उन्होंने दो राजपुताना से पत्नियों से शादी किए थे। उनका जो है उनकी दो राजपुताना पत्नियां थी। पहले पत्नी के बारे में हमने बात किया था, मन्नाबाई थी जो भगवान दास की लड़की थी। आप बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, हम लोग पिछले क्लास में जो बात किए थे, पहली जो राजपुताना पत्नी थी जहांगीर की उनका नाम मन्नाबाई था। जहांगीर की पहली राजपुताना पत्नी जिनका नाम मन्नाबाई था, और जहांगीर की दूसरी राजपुताना पत्नी जिनका नाम जोधाबाई था। अब आपके मन में यह प्रश्न आता है कि सर, जोधाबाई तो अकबर की पत्नी का नाम था। देखिए, स्पष्ट क्लियर कर दे कि जोधाबाई उर्फ जगत गोसाई, जोधाबाई उर्फ जगत गोसाई जो थी वो जहांगीर की पत्नी थी। जोधाबाई उर्फ जगत गोसाई, आपको जोधाबाई में कंफ्यूजन नहीं होना है। जोधाबाई उर्फ जगत गोसाई जहांगीर की दूसरी राजपुताना पत्नी थी। मन्नाबाई जहांगीर की पहली राजपुताना पत्नी थी जो आमेर के शासक भगवान दास की लड़की थी, और मन्नाबाई के भाई का नाम मान सिंह था। जोधाबाई या जगत गोसाई के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं, बात को थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। उनका जो रिलेशन मैंने आपको बताया था, मोटा राजा राजा उदय सिंह जो जोधपुर के शासक थे, मोटा राजा उदय सिंह की वह पुत्री बताई जाती है जगत गोसाई या जोधा भाई। उन्हीं के शरीर से जो है आगे जो है खुर्रम का जन्म हुआ था। आगे थोड़ा सा बात को समझिएगा, जहांगीर का टाइम पीरियड 1605 से लेकर 1627 है। यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। हम बात करते हैं कि जहांगीर के दो पत्नियों के अलावा, दो जो राजपूत पत्नी थी उसके अलावा जहांगीर की एक और पत्नी पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बात को थोड़ी सी समझने की कोशिश कीजिएगा, जहांगीर की एक और पत्नी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम मेहरुनिसा बताया जाता है। मेहरुनिसा, देखिएगा बहुत सारे छात्रों को तो यह पता ही होगा मेहरुनिसा के बारे में। यह जहांगीर की तीसरी पत्नी मेहरुनिसा हुई, जहांगीर की तीसरी पत्नी मेहरुनिसा हुई। ऐसे जहांगीर की बहुत सारी अनेक पत्नी भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जहांगीर की तीन पत्नियों में मेहरुनिसा जहांगीर की तीसरी पत्नी हुई। हम बात करें मेहरुनिसा कौन थी, तो आपको पता होगा मेहरुनिसा ईरान के निवासी थी। मेहरुनिसा जो थी यह कहाँ की निवासी थी, तो ईरान की निवासी थी। मेहरुनिसा जो थी, आपसे यदि कभी प्रश्न पूछ ले कहाँ से बिलोंग करती थी, तो यही ईरान से बिलोंग करती थी। और आपको एक बात मैं बता दूं कि मुगलों के समय में, बात को ध्यान समझिएगा, मुगलों के समय में ईरान से बहुत ही अच्छा संबंध हुआ करता था। जो मुगल लोग थे उस समय के, उनका रिलेशन ईरान से बहुत ही बेटर था। तो जितने भी मुगल एम्परर भारतीय इतिहास में हुए हैं सबका रिलेशन ईरान से बहुत ही बेटर रहा था। तो मेहरुनिसा ईरान की निवासी थी। मेहरुनिसा के पिता का नाम मिर्जा गयास बेग था। बात को ध्यान समझिएगा, मेहरुनिसा के पिता का नाम मिर्जा गयास बेग या इतमाद उ दौला था। आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि मेहरुनिसा जो थी यह ईरान निवासी थी। मेहरुनिसा के फादर का नाम मिर्जा गयास बेग था। यदि आपसे कहीं पूछ दिया जाए मेहरुनिसा के पिता कौन थे, याद रखना है मिर्जा गयास बेग। मिर्जा गयास बेग मेहरुनिसा के पिता थे, मिर्जा गयास बेग। देखिएगा थोड़ी सी बात को समझिएगा, मेहरुनिसा के जो पिता थे उनका नाम मिर्जा गयास बेग था।
और आपको एक और बात बता दें, इन्हीं को इतमाद उ दौला भी बोला जाता है। मिर्जा गयास बेग को एतमाद उ दौला, एतमाद उ दौला की उपाधि दिया गया था। देखिएगा, एतमाद उ दौला आपसे अगर कभी पूछ दे किनका नाम है, तो याद रखना है मेहरू निसा के फादर का नाम एतमाद उ दौला है। देखिएगा, मेहरू निसा के माता जो थी, आपको बता दें मेहरू निसा की जो माता थी उनका नाम असमत बेगम था। मेहरू निसा की जो माता थी उनका नाम असमत बेगम था। और आपको एक और बात बता दें, यहां से प्रश्न पूछा जाता है, मेहरू निसा की माता असमत बेगम ने पहली बार भारत में गुलाब से इत्र खोजने की विधि का प्रचलन किया था। मेहरू निसा की माता असमत बेगम ने फर्स्ट टाइम इंडिया में भारत में गुलाब से इत्र निकालने की विधि को खोजा था। तो कभी यदि आपसे यह प्रश्न पूछ दे तो आपको यहाँ पर याद रखना है, असमत बेगम वह पहली औरत थी जिसने भारत में पहली बार गुलाब से इत्र यानी सेंट बनाने की विधि को खोजी थी। आपको मैं बता दें, मिर्जा गयास बेग और असमत बेगम, ये तो आपको क्लियर हो गया कि पिता और माता थे किसके भाई, तो आपसे कई प्रश्न पूछ दे तो मेहरू निसा के। ऐसे मेहरू निसा अर्थात इनका एक और नाम आपको पता है, मिलता है, जिनको नूर जहां भी कहा जाता है। यदि आपसे कभी प्रश्न पूछ दे तो मेहरू निसा का एक अन्य नाम नूर जहां भी है। मेहरू निसा का एक अन्य नाम क्या मिलता है, नूर जहां। देखिएगा, आपको यहाँ पे बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मेहरू निसा का ओरिजिनल जो पूरा नाम जो था वो नूर जहां था, आगे चलकर नूर जहां या नूर महल का टाइटल जहांगीर ने दिया था। मेहरू निसा को नूर जहां या नूर महल का उपाधि किसने दिया, जहांगीर ने दिया। मेहरू निसा ईरान की निवासी थी, इनके पिता का नाम मिर्जा गयास बेग था जो एतमाद उ दौला के भी नाम से आगे प्रसिद्ध होंगे। माता का नाम असमत बेगम था जिन्होंने भारत में पहली बार गुलाब से इत्र निकालने की प्रोसेस को खोजा था। अब बात करते हैं कि मेहरू निसा या नूर जहां के बारे में थोड़ी सी। मेहरू निसा और इनके पिता और इनके माता, यह तीनों लोग जो थे, यह तीनों लोग प्रारंभ में अकबर के विधवा सलीमा बेगम के यहाँ, बात को ध्यान समझिएगा, मेहरू निसा के माता और पिता ये दोनों लोग खासकर अपनी पुत्री मेहरू निसा के साथ, अपनी पुत्री मेहरू निसा के साथ शुरू समय में अर्थात प्रारंभ समय में अकबर की विधवा पत्नी सलीमा बेगम की सेवा में गए थे। आपको यहां पर यह बात क्लियर होकर चलना है कि अकबर की विधवा पत्नी सलीमा बेगम, सलीमा बेगम थी कौन, तो बैरम खां की वाइफ थी। सलीमा बेगम कौन थी, तो बैरम खां की वाइफ थी, बैरम खां की पत्नी थी सलीमा बेगम। आपको बताए थे पीछे कहानी में, बैरम खां अकबर के संरक्षक रहे हैं, 1556 से लेकर 1560 तक बैरम खां ने अकबर के सारे कार्यों को देखा था। बैरम खां को अकबर ने हरम दल के बारे में, अकबर को जो बात पता चला था, बैरम खां कभी कभी हरम में प्रवेश कर जाता है, माहम अंगा ने इसकी शिकायत जो है अकबर से कर दी कि बैरम खां कभी कभी हरम में प्रवेश कर जाता है। इस बात से नाराज होकर अकबर ने बैरम खां को बहुत डांटा और उनको जो है बैरम खां को अपने वजीर के पद से हटा दिया। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए, पीछे की कहानी में हम बात किए थे। वजीर के पद से हटाने के बाद अकबर जो है बैरम खां के सामने तीन कंडीशन भी रखे थे। आपको पता होना चाहिए, अकबर जब वजीर के पोस्ट से बैरम खां को हटा दिए तो तीन कंडीशन रखा था अकबर ने बैरम खां के लिए। पहला कंडीशन रखा था कि या तो आप दरबार में रह सकते हैं लेकिन चुप रहिएगा, दरबार के मामला में कोई हस्तक्षेप नहीं कीजिएगा। दूसरा कंडीशन रखा था, आप अगर यहाँ नहीं रहना चाहते हैं तो आप हज यात्रा को चले जाइए। तीसरा कंडीशन रखा था, यदि आप हज यात्रा पर भी नहीं जाना चाहते हैं तो आप किसी प्रांत का, जिले का सूबेदार बन जाइए। यह तीनों कंडीशन रखा था जिसमें अकबर जो बैरम खां जो है हज यात्रा को चुने थे। शायद यह पीछे के वीडियो मेरा देखिएगा तो उसमें आपको यह बात पता चलेगा, बताए हैं बहुत डिटेल्स में बताए हैं। वही अकबर की जो विधवा सलीमा बेगम थी अर्थात बैरम खां की पत्नी से अकबर ने शादी कर लिया था, उस सलीमा बेगम की सेवा में मिर्जा गयास बेग और असमत बेगम दोनों लोग चल गए थे। उनकी सेवा वगैरह करते थे, राज दरबार में झाड़ू पोछा का काम करते थे, ऐसा बताया जाता है। ये दोनों व्यक्ति जब झाड़ू पोछा का काम करते थे
तो एक दिन सलीम की नजर इनकी पुत्री मेहरुनिसा पर पड़ती है। एक दिन सलीम का नजर जो है असमत बेगम और मिर्जा गयास बेग की पुत्री मेहरुनिसा उर्फ नूर जहां पर पड़ता है, उसकी खूबसूरती को देखकर सलीम जो है बहुत ही मतलब मन ही मन मेहरुनिसा से प्रेम करने लगते हैं। ऐसा बताया जाता है कि उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर, मेहरुनिसा के सौंदर्य पर मुग्ध होकर सलीम जो है मेहरुनिसा से मन ही मन प्रेम करते हैं। यह बात अकबर को बात को ध्यान सॉरी यह बात बात आपको बता दें कि यह बात सलीमा बेगम को यह बात सलीमा बेगम को पता चली, अर्थात उनके यहाँ जो राजस्व के जो मंत्री टोडरमल जो थे उन्होंने इस बात की शिकायत सलीमा बेगम से किया कि शहजादा सलीम जो है वह आपके नौकरों की पुत्री से प्रेम करता है। यह बात सलीमा बेगम ने सुना और दोनों को डांट लगाई, अर्थात पुत्र को सॉरी अर्थात पिता को और उसकी माता दोनों को बुलाई, दरबार में डांट लगाया और कहा कि आप लोग फौरन जो है दरबार छोड़ के चले जाइए, इस लड़की को लेकर बहुत दूर चले जाइए, यह हमारे आंखों के नजरों के सामने दिखाई नहीं देना चाहिए। इस तरह का बात सलीमा बेगम ने किया। मिर्जा गयास बेग और असमत बेगम अपनी पुत्री मेहरुनिसा को लेकर बहुत दूर निकल गए, दरबार से दरबार को छोड़ दिए। लेकिन कुछ समय के उपरांत जब जहांगीर का शासन आया, अर्थात जहांगीर जब सत्ता में आए, तो ऐसा बताया जाता है कि जहांगीर ने उस समय जब सत्ता को संभाला तो उनको यह बात पता नहीं था कि मिर्जा गयास बेग जो है वह उनके सेना में काम कर रहे हैं। बात को ध्यान समझिएगा, उनको यह बात पता नहीं था कि मिर्जा गयास बेग जो है उनके सेना में किसी छोटे पद पर ही सेना में कार्य करते। हालांकि जो एम्परर है वो सारी सेनाओं को तो चेहरा याद नहीं रखता है कि कौन सेना है कौन नहीं, सेना के प्रधान के बारे में बादशाहों को पता होती थी, लेकिन नॉर्मल रैंक के जो सेना होते थे उनके बारे में जब कोई मीटिंग होती थी तब बुलाया जाता था तो चेहरा सामने आता था कि हाँ यह जो है ये फलना नाम है यह फलना, लेकिन उतना सारे सेनाओं का नाम और चेहरा तो याद रहता था नहीं था। अचानक एक बार जहांगीर ने सारे सेना के जो भी कमांडेंट उनके यहाँ थे उन लोगों को पार्टी दिया। बात को ध्यान समझिएगा, उन लोगों को पार्टी दिया, सारे कमांडेंट जो है अकबर के जहांगीर के जो दरबार के थे वो सारे लोग कमांडेंट लोग जो है दरबार में उपस्थित हुए। जहांगीर ने उन सारे लोगों को जो है पार्टी दिया, बहुत अच्छा दावत दिया। उसी में आपको बता दें कि मिर्जा गयास बेग की पुत्री जिनका नाम मेहरुनिसा है, यह अपने पहले पति, इनके एक पति थे इनका, हालांकि शादी हो गया था, आपसे यदि कभी प्रश्न पूछ दे इस बात को भी याद रखेगा, मेहरुनिसा का शादी हो चुका था और मेहरुनिसा की शादी जो हुआ था वह अली कुल्ली बेग से हुआ था। मेहरुनिसा के जो पति थे उनका नाम अली कुल्ली बेग था। मेहरुनिसा के पति जो थे उनका नाम यदि आपसे पूछ दे, यह मेहरुनिसा के पति थे अली कुल्ली बेग। अली कुल्ली बेग से मेहरुनिसा की पहले शादी हो चुका था। अली कुल्ली बेग जहांगीर के दरबार में, अली कुल्ली बेग जहांगीर के दरबार में कमांडेंट के पोस्ट पर कार्य कर रहे थे, नॉर्मल सिपाही रैंक के पोस्ट पर कार्य कर रहे थे। जहांगीर ने सारे कमांडेंटों को एक पार्टी के लिए बुलाया, उसमें अली कुल्ली बेग भी आए, उसमें अली कुल्ली बेग भी आए और उनके साथ उनकी पत्नी मेहरुनिसा भी आई। पुनः जहांगीर फिर उस पार्टी में अली कुल्ली बेग और मेहरुनिसा को देखते हैं, बहुत ही आश्चर्य होता है और खोया हुआ प्यार फिर से जहांगीर का जाग जाता है। और वहीं पर जो है अली कुल्ली बेग के साथ जहांगीर जो है मेहरुनिसा को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं कि जिससे हम प्रेम करते थे उसका यह शादी हो गया है। 1594 में अली कुली बेग से मेहरुनिसा की शादी हुई थी, बात को याद रखिएगा। 1594 ईस्वी में 1594 में अली कुली बेग से मेहरुनिसा की शादी हुई थी। उसके बाद आपको बता दे 1607 ईस्वी में, यहां पर बात को समझिएगा, 1607 ईस्वी में जहांगीर ने कमांडेंटों की जो मीटिंग जो पार्टी दिया था 1607 में दिया था। उसी समय जो है सारे कमांडेंट उपस्थित हुए थे दरबार में, अली कुली बेग और मेहरुनिसा भी आए थे 1607 में, जहां पर जहांगीर देखकर अली कुली बेग और मेहरुनिसा को बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं, उनका खोया प्यार फिर से जाग जाता है। जहांगीर ने एक प्लान किया, एक योजना बनाई, 1607 ईस्वी में ही अली कुली बेग की हत्या करवा दिया। 1607 ईस्वी में अली कुली बेग की हत्या करवा दिया
आपको कहीं कहीं अली कुली बेग का एक और नाम मिलता है शेर अफगान। याद रखिएगा, अली कुली का एक और नाम मिलता है शेर अफगन भी इनको बोला जाता था। अली कुली का एक दूसरा नाम शेर अफगन भी था, तो इससे टेंशन नहीं ले रहा है। 1607 में जहांगीर ने शेर अफगन या अली कुली बेग की हत्या करवा दी। 1611 में जहांगीर ने मेहरुनिसा से शादी कर लिया। 1607 में हत्या करवाया, 1594 में इन दोनों का शादी हुआ था, मेहरुनिसा और अली कुली बेग, या उनको शेर अफगान कहा जाता है। 1607 में कमांडेंट की मीटिंग बुलाई जिसमें यह दोनों शिरकत किए थे, मेहरुनिसा और अली कुली बेग, देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। उसके बाद प्लान बनाए अली कुली बेग को क्या किया जाए, मरवा दिया जाए। अली कुली बेग को 1607 में जहांगीर ने मरवा दिया। उसके बाद 4 साल के बाद 1611 में जहांगीर ने मेहरुनिसा अर्थात नूरजहां से निकाह कर लिया, शादी कर लिया। आपको बता दें कि जब नूरजहां से जहांगीर शादी किया है तो एक और प्रश्न पूछा जाता है, 1611 में शादी किया था, उसके सम्मान में चांदी का सिक्का भी चलवाया था, उसके सम्मान में अर्थात शादी किया उसके उपलक्ष्य में जहांगीर ने चांदी का सिक्का भी चलवाया था, ये भी प्रश्न याद रखिएगा। देखिए आपको तो यहाँ पर यह मामला क्लियर होगा। अब एक और प्रश्न याद रखिएगा, नूरजहां यानी मेहरुनिसा और अली कुली, इनके शरीर से एक पुत्री थी, इनके शरीर से एक लड़की पैदा हुई थी जिसका नाम था लाडली बेगम। मेहरुनिसा और अली कुली बेग के शरीर से एक पुत्री पैदा हुई थी जिस पुत्री का नाम लाडली बेगम था, और इस लाडली बेगम की शादी, मेहरुनिसा यानी नूरजहां ने, आपको याद रखना है, इस लाडली बेगम की शादी मेहरुनिसा या नूरजहां ने जहांगीर के तीसरे पुत्र शहरयार से करा दिया। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, जब जहांगीर नूरजहां से शादी किए उनके शरीर से कोई औलाद पैदा नहीं हुआ। नूरजहां और अली कुली के शरीर से एक पुत्री थी जिसका नाम लाडली बेगम था। जहांगीर की और नूरजहां से कोई संतान पैदा नहीं हुआ, संतान पैदा हुआ था अली कुली बेग और नूरजहां से जिसका नाम लाडली बेगम था। उस लाडली बेगम का शादी जहांगीर के तीसरे पुत्र सहरयार से नूरजहां ने करवा दिया, अर्थात सहरयार को नूरजहां अपना दामाद बना दी। लेकिन यहाँ पर एक और उठाव पटक आता है। उठाव पटक क्या आता है समझिएगा, नूरजहां उनका एक भाई अलमास बेग उनका नाम था। नूरजहां के एक भाई थे जिनका नाम अलमास बेग था। यदि आपसे कभी प्रश्न पूछ दे, नूरजहां के भाई का नाम अलमास बेग था। देखिएगा, नूरजहां के भाई का नाम अलमास बेग था। आपको बता दें मेहरुनिसा और अली कुली बेग की एक पुत्री थी जिसका नाम क्या था, लाडली बेगम था। क्या नाम था जी, लाडली बेगम। और इस लाडली बेगम का शादी किससे हुआ, तो जहांगीर के तीसरे पुत्र सहरयार से हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं नूरजहां के भाई थे अलमास बेग, और अलमास बेग की भी एक पुत्री थी जिसका नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। अलमास बेग अर्थात नूरजहां के भाई थे अलमास बेग, अलमास बेग की पुत्री का नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। उसी को आगे चलकर मुमताज महल भी कहा गया है। अर्जुमंद बानो बेगम का ही आगे चलकर नाम मुमताज महल रखा गया है। उस अर्जुमंद बानो बेगम से अर्थात नूरजहां की वह भतीजी हुई। अलमास बेग की जब पुत्री हुई तो अलमास बेग नूरजहां के भाई थे तो भतीजी हुई, तो अर्जुमंद बानो बेगम से शादी कराया गया, खुर्रम का शादी। अर्थात खुर्रम जिनको शाहजहां, आगे चल के हम लोग बात करेंगे, तो शाहजहां या खुर्रम की शादी अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ। किसने करवाया, तो नूरजहां ने करवाया। अब आपको यहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि अपना पुत्री का शादी शहरयार से कराई, अपने भाई की पुत्री की शादी खुर्रम से कराई। देखिए ऑटोमेटिक यहां पर कहानी कुछ अलग जैसा होगा। होगा क्या कि यहां पर नूरजहां चाहेगी कि हमारा दामाद यानी लाडली बेगम के जो पति थे सहरयार, वो सत्ता का दावेदार हो। यहाँ अलमास बेग चाहेंगे कि हमारा दामाद अर्थात खुर्रम सत्ता का जो है दावेदार हो।
इस बात को लेकर नूरजहां और इनके भाई अलमास बेग के बीच एक बहुत ही कह सकते हैं भयंकर विद्रोह की स्थिति आ गई थी। दोनों व्यक्ति चाह रहे थे कि हमारा दामाद यहाँ का अगला उत्तराधिकारी बने। होता क्या है कि इन दोनों के बीच जो है भयंकर स्थिति आई, तो दोनों के बीच युद्ध हुआ। दोनों के बीच क्या हुआ, युद्ध हुआ, और युद्ध में नूरजहां अलमास बेग से हार गई। युद्ध में नूरजहां जो थी वो अलमास बेग से हार गई, और अलमास बेग ने खुर्रम यानी शाहजहां को आगे जो है उत्तराधिकार बना दिया मुगल सत्ता का। लेकिन वह बात तो बात की है, इतना सारा बात आपको उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी, इस बात को भी थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए हम आगे थोड़ा सा एक और बात पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जहांगीर के बारे में एक और प्रश्न पूछा जाता है आपसे, कहीं पूछे कि नूरजहां से शादी करने के उपलक्ष्य में जहांगीर ने चांदी का सिक्का चलवाया था। किसका सिक्का? चांदी का सिक्का। अब थोड़ी सी बात को और आगे बढ़ाते हैं। 1608 से 1611 का समय थोड़ा सा समझिएगा। 1608 से 1611 का समय, ऐसा बताया जाता है कि इंग्लैंड में उस समय महारानी एलिजाबेथ प्रथम का शासन था। इंग्लैंड में 1600 ईस्वी के समय 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में बना। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में बना। जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में बना तो उस समय भारत में मुगल शासन कौन देख रहे थे, तो अकबर देख रहे थे। कभी आपसे यह प्रश्न पूछ दे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई, उस समय इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ थी, उस समय इंग्लैंड में किनका शासन था, तो महारानी एलिजाबेथ का। लेकिन भारत में किनका शासन था, तो अकबर का शासन था। स्थापना के समय अकबर का शासन था। लेकिन हम बात करें 1608 से 1611 का, 1608 से 1611 के बीच याद रखिएगा जेम्स प्रथम का राजदूत कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आता है। आपसे यह प्रश्न बहुत पूछता है, 1608 से 1611 के बीच जेम्स प्रथम इंग्लैंड के राजा थे। कौन राजा थे? जेम्स प्रथम। और जेम्स प्रथम का एक राजदूत था जिसका नाम क्या था, तो हॉकिंस था। जेम्स प्रथम का राजदूत था यह, इनका राजदूत था जेम्स प्रथम का यह राजदूत था जिसका नाम क्या था, हॉकिंस। जेम्स प्रथम ने अपने राजदूत हॉकिंस को व्यापारिक अधिकार लेने के लिए इंग्लैंड से भारत भेजा जहांगीर के यहां। जेम्स प्रथम ने अपने राजदूत हॉकिंस को भारत में व्यापारिक अधिकार को लेने के लिए जहांगीर के दरबार में भारत भेजा। लेकिन आपको बता दें, जब विलियम हॉकिंस भारत में जहांगीर के राज दरबार में आया, उस समय जहांगीर ने व्यापारिक अधिकार देने से मना कर दिया। उस समय जहांगीर जो है विलियम हॉकिंस को व्यापारिक अधिकार देने से मना कर दिया। इसलिए मना किया कि जब यह 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया, उससे पहले भारत में पुर्तगाली लोग ऑलरेडी अपना व्यापार कर रहे थे। उससे पहले भारत में पुर्तगालियों का दबदबा था। पुर्तगाली ऐसा बताया था कि हिंद महासागर के पूरे क्षेत्रों पर, उसके साथ गोवा के क्षेत्र, मलाबार के क्षेत्र, कर्नाटक के क्षेत्र, सारे क्षेत्रों पर अपनी सत्ता को संचालित कर रहे थे, व्यापारिक क्षेत्र सारा जो है चला रहे थे। उस समय व्यापारियों का बहुत ही बड़ा यहाँ पर वर्चस्व हो गया था। इस बात को देखते हुए जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को मना कर दिया व्यापारिक अधिकार देने से। और आपको बता दें, विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में 3 साल रहा, बहुत अच्छा फारसी जान गया रहते रहते। 3 साल के दौरान विलियम हॉकिंस फारसी का अच्छा ज्ञाता हो गया। लेकिन जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को इस बात का आश्वासन दिया कि यदि आप चाहें तो अपनी फैक्ट्री भारत में स्थापित कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो अपनी फैक्ट्री भारत में स्थापित कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले जहांगीर ने मछलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित करने की इजाजत दी थी। आपको बता दें, जहांगीर ने अंग्रेजों को, विलियम हॉकिंस को सबसे पहले भारत में फैक्ट्री स्थापित करने का जो बात कहा था, वो 1611 ईस्वी में कहा था कि मछलीपट्टनम में आप अपना पहला फैक्ट्री स्थापित कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें, 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपना पहला फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया। हालांकि जहांगीर ने मछलीपट्टनम में स्थापित करने के लिए कहा था विलियम हॉकिंस को, लेकिन
मछलीपट्टनम में इसलिए स्थापित नहीं किया अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री कि मछलीपट्टनम से जो डिस्टेंस था, मछलीपट्टनम से जो व्यापारिक गतिविधियां सही ढंग से नहीं चल पाती, अर्थात बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस होता था। जब अंग्रेज आते थे, भारत उतरते थे, तो मछलीपट्टनम जाने में बहुत ज्यादा डिस्टेंस, टाइम लग जाता था, समय ज्यादा था, दूरी भी ज्यादा थी। इस वजह से सूरत सबसे व्यापारिक सेंटर का अच्छा जगह माना जाता था। तो 1612 में ऐसा बताया जाता है कि अंग्रेजों ने अपनी पॉली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। 1611 में जहांगीर जो है, विलियम हॉकिंस जो है, जहांगीर के दरबार से लौट जाता है। वहां पर जाकर जेम्स प्रथम से कहता है कि जहांगीर ने बोला है कि हम लोग अंग्रेज लोग के बारे में कि आपको मैं व्यापारिक पर जो है व्यापारिक जो है अधिकार नहीं दे रहा हूं किसी प्रकार से व्यापार करने के लिए। जेम्स प्रथम इस बात को सुने बहुत ही बुरा लगा, उन्होंने कहा कि ऐसा जहांगीर क्यों बोले। तो हॉकिंस ने यह बात बताया कि जहांगीर इसलिए बोले कि उनको यह इस बात का पता है कि भारत में ऑलरेडी पुर्तगालियों का दबदबा बहुत ज्यादा था। जब तक पुर्तगालियों का दबदबा रहेगा तब तक अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर किसी प्रकार का व्यापार नहीं कर सकती है। इस बात को जेम्स प्रथम ने सुना और अगला अपना राजदूत सर टॉमस रो को 1615 ईस्वी में भेजा। बात को समझिएगा, 1608 से 1611 तक तो हॉकिंस आए, लेकिन दूसरा एक राजदूत को भेजा टॉमस रो। और आपको बता दें टॉमस रो 1615 ईस्वी में भारत पहुंचा। टॉमस रो 1615 ईस्वी में भारत पहुंचा जंगी जहाज, बड़े बड़े जहाजों को बेड़े के साथ, पुर्तगालियों को मार पीट के खदेड़ कर, इतना मतलब पावरफुल शक्ति के साथ, बहुत बड़ी बड़ी जंगी बेड़ों के साथ पहुंचा टॉमस रो। और आपको बता दें यह जहांगीर के दरबार में आने वाला दूसरा व्यक्ति था, जेम्स प्रथम का दूसरा राजदूत था। इसने जहांगीर के दरबार में आया यह, और जहांगीर ने इसको जो है व्यापारिक अधिकार के लिए फरमान जारी कर दिया। और इस प्रकार से आपको बता दें कि विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खान की भी उपाधि दिया था। बहुत अच्छा जो है वह पर्सियन रह के उनके दरबार में सीख लिया था। तो टॉमस रो जब आए तो जहांगीर ने जो है यहाँ पे व्यापारिक जो है अधिकार बनाने के लिए, कंपनी स्थापित करने के लिए मंजूरी दे दिया था। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। कल के वीडियो में हम लोग इससे आगे जहांगीर को खत्म करेंगे और शाहजहां वाले टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तब तक आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, ताकि उन लोगों को भी इससे लाभ मिल सके। चलिए आज हम लोग लेते हैं विदा, कल फिर मिलते हैं, जहांगीर को खत्म करते हैं और नेक्स्ट जो है शाहजहां पे हम लोग चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।